तो वहीं ग्वालियर जिले की क्राइम ब्रांच ने 3,40,00,000 रुपए के शैब ठगी के दो आरोपियों को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। बता दें कि ग्वालियर निवासी नरेंद्र सिंह फालके की अनुमति के बिना आईटीसी के 69,500 शेयरों को दोनों आरोपियों ने धोखाधड़ी से बेच दिया। वहीं अब इन शेयरों की वर्तमान कीमत 3,40,00,000 रुपए बताई जा रही है। दरअसल आवेदक नरेंद्र सिंह फालके ने इस मामले में शिकायत की थी कि उसके द्वारा आईटीसी कंपनी के 69,500 शेयर सुशील फाइनेंस कंपनी के डीमैट अकाउंट से सन्नेन लिमिटेड बैंगलोर के डीमैट अकाउंट में शेयर ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे, लेकिन कुछ समय बाद ये शेयर सन्नेस लिमिटेड के डीमैट अकाउंट में दिखना बंद हो गए। वहीं जब सन्नेस कंपनी से इस मामले में संपर्क किया गया तो उन्होंने इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी, जिसके चलते प्रार्थी ने क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू कर दी और अब आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। ये साइबर हमारी क्राइम ब्रांच के जो आईओ हैं शिशिर तिवारी, एक 2022 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण में दो इम्पोर्टेंट आरोपियों को बैंगलोर से अरेस्ट किया है, उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेके आए हैं। ये जो अपराध था बेसिकली इसमें एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति हैं श्री फालके जी। फालके जी के आईटीसी कंपनी के वो शेयर्स थे, उन्होंने अपना डीमैट अकाउंट कंपनी के साथ बनाया था जिस कंपनी का नाम था सनलेस प्राइवेट लिमिटेड, सनलेस कैपिटल लिमिटेड। इस सनलेस कैपिटल लिमिटेड ने ये फोर्जरी की कि इनके पावर ऑफ अटॉर्नी दिखा के इनके लगभग 1.5 करोड़ के जो उस समय वैल्यू थी शेयर्स की, उन शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच दिया। ओपन मार्केट में बेचने के बाद जो उसकी वैल्यू इनके डीमैट अकाउंट में शो होनी थी, अकाउंट में शो नहीं हुई। इस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति को इस कंपनी के द्वारा 1.5 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान, 1.5 करोड़ रुपए का आर्थिक क्षति पहुंचाया गया। इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे एसपी श्रीशा और उनकी पत्नी पदम ज्योति श्रीशा, ये दोनों को साइबर टीम के आईओ ने अभी कस्टडी में लेके ट्रांजिट रिमांड पर लेके आए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि जो पैसा इनका जो शेयर्स का मूल्य था 1.5 करोड़ रुपये, वो मूल्य किन किन किस किस तरीके से किस किस ने उसको अवैध लाभ प्राप्त किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण कैच और गिरफ्तारी है जिसके माध्यम से इस पूरे रैकेट के बारे में आगे पता लगेगा।